दोस्तों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज मैं आपसे बताने जा रहा हूं। दोस्तों, गूगल का जो सर्च का एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड मोबाइल जो लोग यूज करते हैं, उस पर गूगल में यदि आप सर्च करें व्हाट इज आई मैसेज, तो गूगल का सर्च एप्लीकेशन क्रैश हो रहा था। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इंडिया में इसको रिपोर्ट किया था, हालांकि इंडिया में नहीं बल्कि और जगहों पर से भी रिपोर्ट आई थी, तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। दोस्तों, आई मैसेज बेसिकली इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है एप्पल का, एप्पल आईओएस जो आईओएस प्लेटफॉर्म पे चलता है। दोस्तों, बहुत ही पुराना एप्लीकेशन है, कोई नया एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये आई है। और ये केवल गूगल के सर्च ऐप जो एंड्रॉयड यूजर्स के लिए था, उसी में ये गड़बड़ी पाई जा रही थी। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि गूगल अपनी चीजों पर इतना ज्यादा ध्यान रखती है और कोई भी समस्या जल्दी आने नहीं पाती। लेकिन अभी दोस्तों, ये एक दिन पहले ये बहुत ज्यादा हमारे देश में लोगों के द्वारा रिपोर्ट किया गया था, तो काफी हॉट न्यूज चल रही थी। दोस्तों, वैसे गूगल ने इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, क्योंकि एक तरह से गूगल का राइवल है एप्पल, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है चीज कि ये कोई जो आई मैसेज के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो एक्चुअली में क्यों ऐसा हो रहा है। दोस्तों, अभी मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा। आज तो चूंकि ये काम कर रहा है, तो आज मैं लाइव उसको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन कुछ रिकॉर्डेड वर्जन है जो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से लोग सर्च कर रहे थे। और ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा सर्च ऐप जो गूगल का है, गूगल के मोबाइल में, जो सॉरी गूगल नॉट गूगल के मोबाइल में नहीं बल्कि एंड्रॉयड के मोबाइल में गूगल का जो ऐप था, सर्च ऐप था, उसमें सर्च करने पे वो तुरंत क्रैश कर जा रहा था। तो दोस्तों, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ऐसा हो रहा था। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन, इस पे देखिए आप कोई जिसे टाइप कर रहे हैं व्हाट इज आई मैसेज, ये जैसे टाइप किया गया है व्हाट इज आई मैसेज, तो ये एप्लीकेशन में सर्च करने की बजाय, सर्च का रिजल्ट देने की बजाय, ये पूरी तरह से क्रैश हो जा रहा है, यानी कि वो आपकी होम स्क्रीन में वापस आपको ला रहा है। तो ये इस तरह की चीज देखी गई थी दोस्तों कल, ऐसा तो गूगल के लिए बहुत ही, क्योंकि गूगल का सर्च एप्लीकेशन काफी इफिशेंट और काफी बढ़िया है, और इसमें कोई कमी आना बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है। तो इस तरह का बग, मतलब इसको बहुत फनी बग कहा गया है, फनी बग रिपोर्ट किया गया। गूगल ने हालांकि इस समय ठीक कर लिया है, लेकिन इसके बारे में उसने कुछ कहा नहीं है कि ऐसा क्यों था, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, तो इस तरह के बारे में उसने कुछ नहीं कहा है। तो दोस्तों, बस इतना ही दिखाना था आपको, इतना ही बताना था इस न्यूज के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। दोस्तों, बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।